स्वागत है आपका दोस्तों एनवायरनमेंट की इस लेक्चर सीरीज में। और एनवायरनमेंट का बेसिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पे थे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा कि फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पहला फंक्शन एनर्जी फ्लो कैसे होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बड़े डिटेल में पढ़ा। अगर आप ये लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप इस लेक्चर को देखने के पहले दोनों लेक्चर्स देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक है सक्सेशन। ये थर्ड फंक्शन है इकोसिस्टम का, ठीक है। सक्सेशन होता क्या है? सक्सेशन एक प्रोसेस है। सबसे पहले हमें यह जानना है सक्सेशन इज अ प्रोसेस, ठीक है। किस चीज का प्रोसेस है? डायरेक्शनल चेंज इन वेजिटेशन। With time, ठीक है। Succession is a process. इस process में क्या होता है? एक particular direction में vegetation का change होता है और ये change with time होता है। मतलब एक समय के बाद दूसरा vegetation develop करेगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे करके succession होगा, ठीक है। तो इस lecture में succession में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि process of succession क्या है, उसके types क्या है, कॉजेज ऑफ सक्सेशन क्या है, और सक्सेशन के कुछ थ्योरीज हैं, उन पे हम बेसिकली इस लेक्चर में फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रोसेस ऑफ सक्सेशन क्या है, सक्सेशन के कुछ स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो पहला होता है न्यूडेशन, दूसरा होता है इन्वेजन, तीसरा होता है एकेसिस जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट भी बोलते हैं, चौथा होता है एग्रीगेशन, पांचवा होता है कंपटीशन, और लास्ट जो होता है क्लाइमेक्स और स्टेबिलाइजेशन। आइए अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो न्यूडेशन क्या होता है? तो न्यूडेशन वो हो गया जब एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई बेयर एरिया का डेवलपमेंट होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे वोल्केनिक इरप्शन होता है, वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो नया एरिया बनेगा उसको हम बेयर एरिया बोलेंगे, क्योंकि वहां पे कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया वोल्केनिक इरप्शन का। ऐसा इरोजन के कारण भी हो सकता है, फॉरेस्ट फायर के कारण भी हो सकता है। तो उसके काफी सारे कॉजेज होते हैं न्यूडेशन के, वो हम जब कॉजेज ऑफ सक्सेशन पढ़ेंगे वहां पे हम देखेंगे। तो न्यूडेशन क्या होता है? न्यूडेशन एक प्रोसेस होता है जहां पे बेयर एरिया का डेवलपमेंट होता है और उस बेयर एरिया में कोई लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि इन्वेजन क्या होता है। तो इन्वेजन में क्या होगा ना, उस बेयर एरिया, जो बेयर एरिया ऑलरेडी क्रिएटेड हो गई है फर्स्ट स्टेप में, वहां पे सीड्स या फिर स्पोर्स का माइग्रेशन होगा। ये जो माइग्रेशन होगा वो वेरियस एजेंट्स के थ्रू होगा, जैसे विंड हो गया या फिर वाटर हो गई, ठीक है। तो यहां पे दो कंसेप्ट आता है, कॉलोनाइजर्स का और पाइनियर स्पेशीज का। तो कॉलोनाइजर्स वे होते हैं जो बेयर एरिया को इन्वेड करते हैं और उस नए साइट को फर्स्ट टाइम ऑक्यूपाई करते हैं। जो स्पेसीज उस नए बेयर एरिया को फर्स्ट टाइम ऑक्यूपाई करेगी उसे हम कॉलोनाइजर्स बोलते हैं, और जो स्पेसीज वहां पे फर्स्ट टाइम ग्रो करना शुरू कर देगी, एक तो है कि ये मान लो बेयर एरिया यहां पे कोई आया तो इसे हम कॉलोनाइजर बोलेंगे, जहां पे ये चीज ग्रो करना शुरू करेगी उसे हम पायनियर स्पेशीज बोलेंगे। तो ये हो गया इन्वेजन का मतलब। अब हम ये देखते हैं कि एकेसिस या फिर एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। एकेसिस और एस्टेब्लिशमेंट में क्या होगा ना, कि जो नया एरिया होगा वहां पे प्लांट एस्टैब्लिश होना शुरू होगी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लांट, और इस प्रोसेस में जर्मिनेशन से लेके, प्लांट के जर्मिनेशन से लेके पूरा रिप्रोडक्शन तक की साइकिल फॉलो होगी, ठीक है। अगला स्टेप है एग्रीगेशन। जब रिप्रोडक्शन होगा, जब रिप्रोडक्शन होगा तो इंडिविजुअल्स के नंबर इंक्रीज करेंगे, और यह भी होगा कि ये आपस में कॉन्टैक्ट में आएंगे, तो इस प्रोसेस को हम एग्रीगेशन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हो जाता है कंपटीशन। जब आपस में कॉन्टैक्ट शुरू होगी, पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, तो पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे तो रिसोर्स के लिए कंपटीशन क्रिएट होगा, तो इस प्रोसेस को हम कंपटीशन बोलेंगे।
किस चीज के लिए कंपटीशन क्रिएट होगा? लाइट, स्पेस, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट, इसको शॉर्ट टर्म में हम रिसोर्स भी बोल सकते हैं, रिसोर्स के लिए कंपटीशन होगा। इसमें भी दो स्टेप आते हैं, को एक्शन और रिएक्शन। दोनों के बीच में हेल्दी कंपटीशन होगा उसको को एक्शन बोलेंगे, अनहेल्दी कंपटीशन होगा तो रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, जो लास्ट स्टेज है प्रोसेस ऑफ सक्सेशन की, उसको हम क्लाइमेक्स या स्टेबिलाइजेशन भी बोलते हैं। ये सक्सेशन की फाइनल स्टेज होती है जहां पे कम्युनिटी स्टेबिलाइज हो जाती है। आइए अब ये देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सक्सेशन कैसे होते हैं। तो टाइप ऑफ सक्सेशन है ना, उसके अलग अलग बेसिस होते हैं। तो पहला बेसिस है बेसिस ऑन द नेचर ऑफ सबस्ट्रैटम। सबस्ट्रैटम को आप लेमन टर्म्स में ये समझ लीजिए कि वो कहां पे ओरिजिनेट हो रहा है। अगर ये सक्सेशन स्टार्ट्स ऑन अ ड्राई रॉक, इसको हम ज़ेरार्क सक्सेशन बोलेंगे। अगर ये मॉइस्ट और वेल एरेटेड सॉइल में स्टार्ट होता है तो इसे हम मेज़ार्क सक्सेशन बोलेंगे, और अगर ये वाटर या वेटलैंड पे स्टार्ट होता है तो इसे हाइड्रार्क सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, दूसरा बेसिस है टाइप्स ऑफ सक्सेशन के क्लासिफिकेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बेसिस है, वो है बेस्ड ऑन स्टार्टिंग ऑफ द सक्सेशन। मतलब सक्सेशन है कैसा, ये प्राइमरी सक्सेशन है या फिर सेकेंडरी सक्सेशन है। तो प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन के बीच का पहले डिफरेंस समझते हैं। तो प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पे होगी जहां पहले कभी कोई कम्युनिटी या ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता होगा। ठीक है, जबकि सेकेंडरी सक्सेशन वहां पे होगी जहां पे ऑलरेडी पहले कोई क्लाइमेक्स कम्युनिटी एग्जिस्ट करती थी, एग्जिस्टेंस वॉज देयर, लेकिन कुछ ऐसा हो गया, जैसे कि मान लीजिए कुछ फ्लड आ गया, या फिर फॉरेस्ट फायर हो गया, या फिर आपका वोल्केनिक अर्थक्वेक हो गया, तो उसके कारण वहां का क्लाइमेक्स स्पेशीज डिस्टर्ब हो जाएगा, और उस डिस्टर्बेंस के कारण जो नया स्पेशीज जो फिर से क्लाइमेक्स बनाएगा, उस प्रोसेस को हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो कि सेकेंडरी सक्सेशन जो होता है ना, सेकेंडरी सक्सेशन इज वेरी 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 फास्ट देन प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, तो ये तो दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया। अब हम ये समझते हैं कि प्राइमरी सक्सेशन में आखिर प्राइमरी सक्सेशन होता कैसे है। तो हमने देखा था न्यूडेशन हुआ था, नई साइट क्रिएट हुई थी, बेयर साइट क्रिएट हुई थी, तो इस न्यू साइट पे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ठीक है, ये हार्डी पानियर स्पेशीज होते हैं, फिर वहां पे रहते रहते ये अपने हिसाब से न्यू कंडीशन डेवलप करते हैं वहां पे। जब ये न्यू कंडीशन डेवलप होती है तो और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म यहां पे आने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए काफी सारे ऑर्गेनिज्म यहां पे आ गए। अब क्या होगा, इनका जब डेथ होगा तो इनसे निकलेगा ऑर्गेनिक एसिड जब सॉइल में जाएंगे तो ये सरफेस पे न्यूट्रिएंट्स छोड़ देंगे और खुद जाके सॉइल के किसी पॉकेट या क्रिवाइसेस में स्टोर हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से एक पर्टिकुलर बेयर साइड पे प्राइमरी सक्सेशन कैसे होता है। और सेकेंडरी सक्सेशन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेकेंडरी सक्सेशन में क्लाइमेक्स स्पेशीज होगी, वहां पे डिस्टरबेंस होगा और फिर न्यू क्लाइमेक्स स्पेशीज आएंगी। चलिए अब ये देखते हैं, जो हमारा थर्ड बेसिस है टाइप्स ऑफ सक्सेशन पढ़ने का, वो है बेस्ड ऑन द कॉज ऑफ सक्सेशन। ठीक है, अगर सक्सेशन जो हो रहा है, अगर वो सक्सेशन जो हो रहा है जिसमें एक कम्युनिटी अपने आप को मॉडिफाई करती है और रिप्लेस किससे हो जाती है, बाय देयर ओन न्यू कम्युनिटी, तो उसको हम ऑटोजेनिक सक्सेशन बोलेंगे। लेकिन इफ इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कम्युनिटी, उसे हम एलोजेनिक सक्सेशन बोलेंगे। और कुछ कुछ सक्सेशन इंड्यूस्ड होंगे, जैसे ह्यूमन एक्टिविटीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेशन ऑफ प्लांट कम्युनिटी, जैसे कि मैन मेड वेटलैंड हो गए, तो उसे हम इंड्यूस सक्सेशन बोलेंगे। यहां पे किलोदे नेशनल पार्क जो है ना, वो एक इंड्यूस सक्सेशन का एग्जांपल है।
चौथे टाइप्स ऑफ सक्सेशन में हम पढ़ेंगे रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। इसमें क्या होता है ना, स्पीशीज आगे नहीं जाने के बजाय फ्यू स्टेजेस बैक हो जाती हैं, ठीक है। इस टाइप के सक्सेशन को हम बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। जैसे कि इसका एक एग्जांपल है कि साल फॉरेस्ट जो यूपी में था, ड्यू टू हैवी बायोटिक प्रेशर फॉरेस्ट से वापस ये सवाना टाइप्स में कन्वर्ट हो गया। बायोटिक प्रेशर क्या क्या हो गया, जैसे ओवर ग्रेजिंग हो गई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन हो गया, ठीक है। तो ये मतलब हो गया रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन का। और लास्ट है साइक्लिक सक्सेशन। साइक्लिक सक्सेशन में क्या होगा, एक स्पेशीज के बाद दूसरी स्पेशीज आएगी, इस स्पेशीज से तीसरी स्पेशीज आएगी, और जो फाइनल स्पेशीज जब होगी वो सेम पहली वाली स्पेशीज रहेगी, ठीक है। तो इस टाइप का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉलो होगा। हमने प्राइमरी सक्सेशन देखा था। प्राइमरी सक्सेशन के भी काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हो गया रिवराइन सक्सेशन अगर रिवर में हो रहा हो, एश्योरिन सक्सेशन अगर एश्योरी में हो रहा हो, माउंटेन टेम्परेट फॉरेस्ट सक्सेशन, और सक्सेशन इन सैंड ड्यून कंडीशन या फिर डेजर्ट कंडीशन। अब ये देखते हैं कि कॉजेस क्या हो सकते हैं सक्सेशन के। तो सबसे पहला है इनिशिएटिंग कॉज। इनिशिएटिंग कॉज भी दो टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप क्या होगा इनिशिएटिंग कॉज का, कि वे फैक्टर्स जो एक बेयर एरिया को क्रिएट करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। और दूसरा टाइप ऑफ इनिशिएटिंग कॉज क्या हो जाएगा, जैसे कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कम्युनिटी है उसको अगर हम डिस्टर्ब करते हैं तो वो भी एक इनिशिएटिंग कॉज होगा, ठीक है। दोनों मिलाकर काफी सारे इनिशिएटिंग कॉज यहाँ पे लिख दिए गए हैं, जैसे कि लैंडस्लाइडिंग हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, वाटर लॉगिंग हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया। अब अगला कॉज जो है कंटिन्यूटिंग कॉज। कंटिन्यूटिंग कॉज वो कॉज हो गए जो उस स्पेशीज को बेयर एरिया में सर्वाइव करने में मदद करेंगे, जैसे कि इस कॉजेज में माइग्रेशन आ जाएगा, एकेसिस आ जाएगा, एस्टैब्लिशमेंट जिसको हम बोलते हैं, एग्रीगेशन आ जाएगा, इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंपटीशन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, कोएक्शन हो जाएगा। और स्टेबलाइजिंग कॉज हो जाएगा कि जब वो कम्युनिटी फाइनली उस जगह पे एस्टैब्लिश हो जाएगी एज ए क्लाइमेक्स स्पेशीज, तो उन कॉजेस को हम स्टेबलाइजिंग कॉज बोलेंगे। अब आइए ये देखते हैं कि स्टेजेस ऑफ सक्सेशन क्या क्या होते हैं। तो पहला स्टेज में जो स्पेशीज एक जगह पे आती है उसको हम पायनियर स्पेशीज बोलते हैं, और जो फाइनली डेवलप हो जाती है स्टेबलाइज होने के बाद उसको हम क्लाइमेक्स स्पेशीज बोलते हैं। और इन दोनों स्टेजेस के बीच में जितने भी स्टेजेस होते हैं उन्हें हम सिरे बोलते हैं, ठीक है। ये भी दो टाइप की होती है, प्री सिरे और सब सिरे। इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप बस इतना जान के रखिए पायनियर स्पेशीज, क्लाइमेक्स स्पेशीज और सिरे, इंटरमीडिएट स्टेजेस को हम सिरे बोलते हैं। लास्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का है वो है थ्योरीज ऑफ सक्सेशन। काफी लोगों ने काफी सारी थ्योरीज दी हैं कि आखिर सक्सेशन होता कैसे है, ठीक है। तो एक थ्योरी आती है मोनोक्लाइमेक्स थ्योरी, ठीक है। इसको किसने दिया था, क्लेमेंट ने दिया था। क्लेमेंट ने बोला कि ओनली क्लाइमेटिक कंडीशन आर इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग सक्सेशन, ठीक है। क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या हो गए, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, ठीक है, रेनफॉल हो गया, तो इसको हम क्लाइमेटिक कंडीशंस बोलेंगे। तो क्लेमेंट ने बोला सिर्फ क्लाइमेटिक कंडीशन ही कंट्रोल करती है एक क्लाइमेक्स को बनाने में, ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्ड, और इसलिए वहां पे ओनली वन टाइप ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म्ड होगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस थ्योरी को चैलेंज किया गया। किसने चैलेंज किया, टैंसली ने चैलेंज किया। टैंसली ने यह बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, एक जगह पे काफी सारी क्लाइमेक्स होती हैं, काफी सारे क्लाइमेक्स स्पेशीज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द फैक्टर्स। अगर क्लाइमेट फैक्टर है तो उसको हम क्लाइमेटिक क्लाइमेक्स बोलेंगे, अगर एडाफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, डोमिनेंट है, तो उसे हम एडाफिक क्लाइमेक्स बोलेंगे। एडाफिक का मतलब हो गया सॉइल, ठीक है। अगर वहां पे बायोटिक डिस्टर्बेंस डोमिनेंट है तो उसे हम बायोटिक क्लाइमेक्स बोलेंगे, और वहां पे अगर टोपोग्राफी डोमिनेट होती है तो वहां पे टोपोग्राफिक क्लाइमेक्स बोलेंगे। तो पॉलीक्लाइमेक्स थ्योरी में मल्टीपल क्लाइमेक्स बनते हैं ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स, ये ध्यान रखिएगा। लास्ट जो थ्योरी है सक्सेशन की उसे बोलते हैं क्लाइमेक्स पैटर्न हाइपोथेसिस। ये किसने दिया था, विटेकर ने दिया था 1953 में। अब इसने ये बोला कि एक तो
जैसे कि हमने पहले देखा पॉलीक्लाइमेट थ्योरी में तीन चार फैक्टर थे, उसके बेसिस पे चार अलग अलग क्लाइमेक्स स्पेशीज बने ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ दिस फोर फैक्टर्स, फोर डिफरेंट फैक्टर्स एट फोर डिफरेंट प्लेसेस। लेकिन विटेकर ने बोला कि एक तो ये फिक्स नहीं होता कि कितने सारे क्लाइमेक्स कम्युनिटी एक जगह पे या फिर एक फैक्टर से बन सकती है, ठीक है, तो देर इज नो डिस्क्रीट नंबर ऑफ क्लाइमेक्स कम्युनिटीज। और दूसरा इन्होंने बोला कि वन फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइमेटिक फैक्टर के कारण बनेगा या फिर सिर्फ एडाफिक फैक्टर के कारण बनेगा या फिर सिर्फ टोपोग्राफिक फैक्टर के कारण बनेगा, इन सब का कॉम्बिनेशन रेस्पॉन्सिबल होता है एक क्लाइमेक्स स्पेशीज को बनाने में, ठीक है। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल स्कैन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू।